तो यहाँ पे हमने लिया है गिलास और गिलास में हम ऐड करते हैं पानी। इसके बाद हम पानी के अंदर हमारा किचन वाला सोल्ट ऐड करके डिजोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ दो मैंने पेंसिल की नोक निकाल के इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं। बेसिकली मुझे ग्रेफाइट की ज़रूरत थी इस रिएक्शन को करने के लिए, जिसमें हम पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग अलग ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो अब हम इनको पानी में अंदर डालते हैं और हमें देखना है, या फिर आप देखो क्या हो रहा है। पानी जो कि H2O है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो राइट वाले इलेक्ट्रोड पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन निकल रही है पानी से। अब आपको गौर से सुनना है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। अगर आपने गौर से सुना होगा तो क्या हो रहा है, पॉप करके आवाज आ रही है कैंडल के बर्निंग की। तो इसका मतलब हाइड्रोजन निकल रही है। इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जब एक सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंस में टूटता है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए यह है कि हमने इसमें सॉल्ट ऐड क्यों किया।